हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम अकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए परमानेंट पोस्ट पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, अप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंटरेक्शन इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। हम आज बात करेंगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा में इस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पर 4 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था जिसमें इन्होंने इनवाइट किया हुआ है ऐसे कैंडिडेट को जो एलिजिबल हैं, जो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है उसे अचीव कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यहाँ पर जो एकेडमिक पे लेवल आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो 10 का है, यानी 57,700 रुपये की यहाँ एंट्री सैलरी आपको इस पोस्ट पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट से पोस्ट मांगा गया है, जिसमें अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट है उसमें टोटल 1 सीटें हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 2 सीटों पर अप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से टोटल 1 सीट है जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से एक पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से एक पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी से यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स से एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यहाँ पर एक पोस्ट पर अप्लीकेशन मांगे गए हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन सभी डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनमें उनका क्वालिफिकेशन या जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लीकेशन करने के लिए आपको इनवाइट किया गया। यहाँ पर सीटें जो है वो कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर दी गई हैं। जनरल SC, ST, OBC, PWD और EWS के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सीटें मेंशन की गई है। वहीं फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके लिए आप इनका ऑफिशियल पोर्टल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये जो नोटिफिकेशन मेंशन है इस नोटिफिकेशन का यूज़ करके आप इसका अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.tripuraunivac.in पर विजिट करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इसका PDF आप लोगों को डाउनलोड करने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 7 अक्टूबर 2024 से फिलअप होना स्टार्ट कर दिया गया है। 10 नवंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 1,000 रुपये पे करना होगा। OBC, SC, ST के लिए यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा और PWBD और EWS के जो कैंडिडेट हैं उन्हें एप्लीकेशन फ़ीस में एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरीके का कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस उनको पे नहीं करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें। नोटिफिकेशन में सभी इंस्ट्रक्शन मेंशन हैं जो इस पोस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएंगे। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5% तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।